हाय, दिस इज संजीव फ्रॉम संजीव फिनटेक. फ्रेंड्स, आई विल गिव यू व्यू ऑन टाटा मेटलिक. आई हैव गिवन द व्यू ऑन बाइंग एज ऑन 2 सितंबर. यू मस्ट एन्जॉय द प्रॉफिट. फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मेरे को यहाँ पे चार्ट पैटर्न लग रहा है, उसी हिसाब से आपको व्यू देने का कोशिश कर रहे हैं. वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. कुछ भी बोलना होगा तो कमेंट करके बताइए. बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम टाइमली जिस हिसाब से वीडियो अपलोड करेंगे उसी हिसाब से आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली चले जाते हैं चार्ट पैटर्न पे. बिफोर आई हैव डिस्कस द चार्ट, आई विल गिव यू द व्यू बेसिकली व्हाट इज द टारगेट एंड ऑल दिस थिंग्स. बाइंग व्यू दे रहा है 9/11/2022 के लिए. करेंट मार्केट प्राइस है 761. 726 के आना है, मतलब आएगा तो फिर और आप ऐड करके चलिए. स्टॉप लॉस होगा 709 पे. टारगेट होगा 875. अप टू 15 डेज में ये टारगेट आ सकता है. ऊपर का लेवल में स्टॉक ने बहुत अच्छा एक अच्छा हाई बनाया था. करीब करीब आपका ये हाई था 1367 के आसपास. वही लेवल से स्टॉक ने 2 बार 3 बार करके डाउन ट्रेंड के साथ ऐसा गिरा है. तो मेरे को लगता है कि इस शेयर में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है इसी लेवल के आसपास. क्यों बोल रहे हैं, इसका बहुत सारा कारण है. पहले एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. फ्रेंड्स, बेसिकली चार्ट ने एक तो कंसोलिडेट जोन बनाया यहाँ पे. कहाँ पे बनाया? यहाँ पे बनाया. अगर ठीक से देखेंगे, हम बड़ा करके दिखा रहा है, दिस आर द कंसोलिडेट जोन. इस टाइप का कंसोलिडेशन फिलहाल में और एक बार बनाया था इसी के आसपास, तो स्टॉक ने उसके बाद भी एक तो अपवर्ड मोमेंटम आया था. मेरे को लगता है ये कंसोलिडेट जोन के हिसाब से और एक बार स्टॉक ने ऊपर में जा सकता है बहुत तगड़ा बाइंग के साथ. फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उतना वोलाटाइल स्टॉक है कि मेटल के साथ साथ जिस हिसाब से बेस मेटल का प्राइस चलता है उसके हिसाब से भी ये आपको व्यू देके जाएगा. तो एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने दो तरीके का मूव दिखा सकता है, एक है अप एक है डाउन. तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है. क्यों बता रहा है, डेली चार्ट में एनालिसिस करके दिखा रहा है. फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट है कि ये जो स्टॉक है ना, ये 200 DMA का जो रेट है, ये 50, 100 और 200 DMA के ऊपर सस्टेन किया है. जब जब ये स्टॉक नीचे से सस्टेन किया है तो उसी हिसाब से उसमें एक तो मोमेंटम आ सकता है. किस तरफ का मोमेंटम या कहाँ तक का मोमेंटम आ सकता हूँ बता रहा है. यहाँ तक का आपका 875 के आसपास आपका फर्स्ट टाइप का एक तो मोमेंटम आ सकता है. फ्रेंड्स, अब जानते हैं, हम किसी के ऊपर ऐसा विश्वास नहीं करते कि मेरा बोलने से ही स्टॉक बढ़ जाएगा या मेरा बोलने से ही घट जाएगा. लेकिन ये जो चार्ट पैटर्न है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसी हिसाब से मैंने आपको ये व्यू देने का कोशिश किया. नीचे का जो स्टॉप लॉस है आपका 709 के आसपास, जो इसी लेवल के आसपास जो सपोर्ट बनाया है. देखिए, हम आपको सपोर्ट बना के दिखा रहा है इसी के आसपास. ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट है जिसका रेड लाइन दे के हम आपको मार्क कर दिया, क्योंकि आपको समझने के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा. सेकेंडली, इसका 200 DMA का दिखाया सपोर्ट एंड उसका टारगेट क्या हो सकता है वो भी दिखाया. साथ साथ हम इसको थोड़ा ऑफ कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा हेजीनेस हो गया. तो फ्रेंड्स, बेसिकली एक डाउनवर्ड चैनल का यहाँ पे आके थोड़ा सस्टेन करके ब्रेकआउट दिया, एक लेवल के अंडर कंसोलिडेट हुआ. इसका अर्निंग आने में तो इस क्वार्टर का अर्निंग भी बहुत बढ़िया था, तो उसी हिसाब से मेरे को लगता है कि स्टॉक में इस जो टारगेट दिए हैं टारगेट के साथ साथ इसका पार्टिसिपेट कर सकता है. फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो लेवल है आपका 726, यही लेवल पे आएगा तो आप ये सपोर्ट के आसपास आएगा तो आप और ऐड करिए, क्योंकि ये यहाँ पे सब स्टॉप लॉस होकर निकल जाएगा. 200 DMA के हिसाब से बाइंग है, 50 DMA, 50, 20 DMA उसी हिसाब से तो बाइंग है ही है. लेकिन आप याद रखिएगा, फाइनल स्टॉप लॉस आपको 702 ही होगा. तो यहाँ से आपका इतना तक का ये पॉजिटिविटी दिख सकता है. मतलब करंट लेवल से दिखाएंगे तो करंट लेवल से ये पॉजिटिविटी का रेट है अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है बता दे रहे हैं हम आपको. ये लगभग लगभग आपका
15% का या से अपवर्ड। अभी पुलअप करेंगे थोड़े इसका आरएसआई को। आरएसआई देखिए, आरएसआई बहुत अच्छा एक जोन के अंदर चल रहा है, 60 के ऊपर प्रेस करेगा तभी और जाके इसमें वोलेटिलिटी आएगा। मैकडी भी दिखाएंगे इसको, तो मैकडी भी ख़राब नहीं है, ये अपवर्ड हिस्टोग्राम बना रहा है, तो दीज आर द बुलिश साइन फॉर द चार्ट। फ्रेंड्स, इसका चार्ट के पीछे में और एक कारण हम आपको बता सकता है, क्योंकि टाटा स्टील के साथ टाटा मेटालिक का मर्जर होने वाला है। तो टाटा स्टील का आप चार्ट फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देगा कि देर इज अ बाउंस बैक फ्रॉम द लोअर लेवल। कितना परसेंट का ये सब है था, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 का लेवल से ये आपका 107 के आसपास चलो, ऑलमोस्ट 7% का अपसाइड है। तो ऐसा मान के सकता है कि चल सकता है कि 7% का अपसाइड आपको दिखेगा ही दिखेगा। और वर्ल्ड का जो बेस मेटल इंडेक्स देखेंगे उसमें भी थोड़ा सा मोमेंटम है, हालांकि इसका चार्ट हम यहाँ पे नहीं दिखाया है, लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें आपको इस सब तरीके का मूवमेंट दिखेगा। और एक दो फंडामेंटल न्यूज़ है वो हम बता रहे हैं आपको, मतलब जो न्यूज़ आउटकम है, क्योंकि स्टील प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया था, वो अगर गवर्नमेंट कभी भी हटा देगा तो स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम हो सकता है। सिमिलर चार्ट पैटर्न है आपका टाटा स्टील के साथ, लेकिन टाटा स्टील बड़ा है कंसोलिडेशन के बाद, लेकिन ये जो आपका टाटा मेटालिक है वो अभी तक उसमें उस तरीके का कोई मोमेंटम आया नहीं है। तो अगर मर्जर होगा तो स्टॉक सेम तरीके से ही चलना चाहिए वैसा मेरे को लगता है। तो उसी हिसाब से मैंने आपको ये व्यू देने का कोशिश किया या व्यू देने का साहस किया। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, दीज आर द व्यूज फॉर माई एंड। उतना ज़्यादा कॉम्प्लिसिटी में जाएंगे तो शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, एनी टाइप ऑफ एडिक्वेशन जिस भी एंगल से देखेंगे उसी हिसाब से। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे आप इसका बाइंग भी लेके चल सकते हैं। फ्रेंड्स, बाइंग करने से पहले ज़रूर अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ सलाह लीजिएगा। किसी भी टाइम पे कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेरा इसमें कुछ कमेंट करते हैं या कुछ बोलते हैं तो, और कुछ आगे में दिन में आएगा तो ज़रूर हम आपके पास लेके आएंगे। यह बात याद रखिएगा, आफ्टर 15 डेज व्हाट विल बी द टारगेट, व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस, ये सब भूल के पोजीशन से निकल जाना है। 15 डेज का टाइम होराइजन का फॉर्म इसी हिसाब से दिए है। देखिए, हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कितना बार है, कितना दिन में आया, ये जो कंसोलिडेट बनाया ये मोटा मोटी आपका 11-12 बार है ना, तो 12 दिन का है। तो उसी हिसाब से मेरे को लगता है कि जब घटता है इसी हिसाब से तो बढ़ेगा भी इसी हिसाब से ना, तो उसी हिसाब से मैंने आपको ये व्यू देने का कोशिश किया। फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट माई एंड। आपको कुछ बोलना होगा तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके, लिख के, फ़ोन करके, मेल करके बता सकता है। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम और कुछ लेके आएंगे।